दोस्तों, दिन दहाड़े डकैती का नाम तो सुना ही होगा आपने। दिन दहाड़े डकैती डालना, दिन दहाड़े चोरी कर लेना, दिन दहाड़े चोरी चुपके से दूसरों का सामान चुरा लेना, ये सब कुछ तो आपने सुना होगा। अभी तक व्यक्तिगत मामलों में तो चलिए ये सब कुछ सुना होगा, लेकिन क्या राजनीति के मामले में ये सब कुछ सुना है? दिन दहाड़े वोट चुरा लेना, दिन दहाड़े नतीजा बदल देना, दिन दहाड़े दूसरी पार्टी को हराने के लिए प्रपंच खेल देना, ये सुना है दोस्तों कभी आपने? नहीं सुना है ना, तो अब सुन लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुछ ऐसा ही खेल हुआ है जिसमें आरोप लग रहा है दिन दहाड़े चोरी करने का, वो भी वोटों की चोरी करने का, और आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। क्या है पूरा आरोप, क्या है पूरा मामला, आपको बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होने थे, 18 जनवरी को स्केड्यूल किया गया था। ध्यान से सुनिएगा पूरा मामला क्या है। 18 जनवरी को स्केड्यूल होता है, 18 जनवरी को अचानक से पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब कर दी जाती है। अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, जिन्होंने अभी इस वक्त ही चुनाव जो है को उसको पूरा करवाया, वो इससे पहले तक बीमार थे। 18 जनवरी तक वो बीमार थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन, जो इस पूरे चुनाव में मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, वो दोनों ही पार्टियां जो है, दोनों ही पार्टियों ने क्या किया, दोनों पार्टियों के पास पार्षद थे, 20 पार्षद थे, 19 बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी के पास 16 पार्षद थे, इसके पास अगर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के पास 20 पार्षद थे। ऐसे में अगर 18 जनवरी को चुनाव हो गया होता तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जीत चुका होता। लेकिन होता क्या है, पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब बता दी जाती है और उसके बाद कह दिया जाता है कि चुनाव को टाल दिया गया है, आज चुनाव नहीं होना है, अब अगली बार जब नोटिफिकेशन आपको आएगा तभी चुनाव होगा। जो पार्टियां होती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो चले जाते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट इनके आदेश को रद्द कर देता है, और आदेश को रद्द करते हुए कहा जाता है कि 30 जनवरी तक किसी भी सूरत में आपको चुनाव करवाने हैं। अब 30 जनवरी को जब चुनाव हुए तो ऐसा कुछ हुआ जिससे हर कोई दंग था। इसको दिन के उजाले में वोटों की डकैती का नाम दिया गया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको एक खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है कि चंडीगढ़ में जो हुआ उसे दिन दहाड़े डकैती कहा जा सकता है। बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर का मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार से था। उन्हें 20 पार्षदों का समर्थन था, यानी कांग्रेस और आपको, लेकिन कुलदीप कुमार को महज 12 वोट मिले। उनके पक्ष में 8 वोट अवैध घोषित किए गए और इस तरीके से 16 वोट पाकर बीजेपी जीत गई। एक वीडियो वायरल है जिसमें आरोप है कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह मतपत्रों में छेड़छाड़ करते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये विपक्ष के वोटों को अवैध करने के लिए किया गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। दोस्तों, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। एक वीडियो, जिस वीडियो की यहाँ पर बात हो रही है, वो वीडियो मैं बिना देर के आपको दिखाना चाहूंगी। छोटा क्लिप दिखाते हैं आपको वीडियो का, वीडियो देखिए आप। तो इसमें आपको जो नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है वो पीठासीन अधिकारी थे और वो पर्चियों में अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर रहे हैं। इसको कहा गया कि जानबूझकर विपक्ष के वोटों को अवैध करार दिया गया है, विपक्ष के पार्षदों को अवैध करार दिया गया, उनके वोट की संख्या को अवैध करार दिया गया ताकि इंडिया गठबंधन चुनाव हार जाए। जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या की गई, ये आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। दोस्तों, और इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ये भी नजर आया होगा कि जो बैठे थे कुर्सी पर, उन्होंने कैसे एक के बाद एक पर्ची उठाकर उसमें कुछ कुछ लिखकर और दूसरी जगह रखा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उस पर्ची में वो कुछ गड़बड़ी कर रहे थे जो कि कैमरे में कैद हो गई, सब कुछ सामने आ गया। सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अब चुनाव जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रपंच बाकी रह गए? क्या आप अपने बूते पर चुनाव जीतना नहीं चाहते या चुनाव जीत ही नहीं सकते? सवाल ये उठ रहा है अब। दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।